एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, अगर आप भी एक पेट लेना चाहते हैं और अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा पेट ले, तो खासकर ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे कि जैसे कि पेट हमें कौन सी एज में लेना चाहिए, पेट लेने के बाद डीवॉर्मिंग करना ज़रूरी है या नहीं, पेट लेने के बाद वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है कब स्टार्ट होता है, और पेट लेने के बाद उन्हें कौन से फूड देने चाहिए जो उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इन सारे टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश यादव, आप देख रहे हैं द पेट गाय, योर सॉल्यूशन गुरु। आगे बढ़ने से पहले मेरे सारी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है कि पेट कब लेना चाहिए। गाइस, इसमें काफ़ी सारे हमारे जो कस्टमर है वो कंफ्यूज होते हैं, व्यूवर्स भी कंफ्यूज होते हैं कि पेट हमें कब लेना चाहिए। तो गाइस, आप जब भी पेट ले, जहाँ से भी ले, ब्रीडर के थ्रू लेते हैं या किसी शॉप से लेते हैं, तो आप ये श्योर हो जाए कि उसकी एज कम से कम 40 डेज होना ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 40 डेज का ही कैट ले, उसके अंदर का कैट या डॉग ना खरीदें। दूसरा हमारा ये टॉपिक है कि डीवॉर्मिंग होना ज़रूरी है या नहीं। गाइस, डीवॉर्मिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। अगर आप किसी ब्रीडर या शॉप वाले से आप कैट या डॉग लेते हो तो आप उससे एक बार ज़रूर पूछ ले कि ये कैट या डॉग डीवॉर्म्ड है या नहीं है। अगर डीवॉर्म्ड नहीं है तो आप उसका डीवॉर्मिंग कराएँ, क्योंकि डीवॉर्मिंग छोटा स्टेज ज़रूर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होता है एक कैट और डॉग के लिए। सो श्योर हो जाएं कि जब भी आप पेट लेते हैं तो उसको डीवॉर्मिंग ज़रूर करें। तीसरा जो हमारा स्टेज होता है कि वैक्सीनेशन के क्या प्रोसेस होते हैं। तो गाइस, जब भी आप कैट या डॉग लेते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेज होता है वो डीवॉर्मिंग का होता है, और डीवॉर्मिंग के लगभग 1.5 से 2 हफ्ते के बाद वैक्सीनेशन के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। इसके लिए आपको आपके करीबी एनिमल डॉक्टर के यहाँ पर विजिट करना होता है, वो आपको वैक्सीनेशन के सारे प्रोसेस समझा देते हैं और स्टार्ट भी कर देते हैं। हमारा चौथा जो टॉपिक है वो है फूड, कौन सा फूड हमें देना चाहिए। गाइस, मेरी सभी पेट पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप फूड अपने कैट को या डॉग को देते हैं वो अच्छी क्वालिटी का फूड दें। बाज़ार में बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के फूड अवेलेबल हैं। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह का ओपन या लोकल ब्रांड का फूड ना दें, क्योंकि उनके हेल्थ पर इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने मिलते हैं, जिसके वजह से अननेसेसरी उन्हें तो प्रॉब्लम होती है, साथ में आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सो मेरी सभी पेट पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसे कोई भी लोकल ब्रांड का फूड ना दे, हो सके तो अच्छी क्वालिटी का फूड दे। पेट को फूड में क्या दे और क्या ना, सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी मसाला वाला पदार्थ जैसे कि गार्लिक, जिंजर जैसे फूड उनको ना दे, स्वीट खासकर उन्हें ना दे। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट उनके हेल्थ पर पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। गाइस, सो मेरी सभी व्यूवर से, सारे कस्टमर से, सारे पेट पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कोई ऐसा फूड ना दे जो उनके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी व्यूवर्स के ये क्वेश्चन होंगे कि सर, हमारा जो डॉग है वो बाइट बहुत ज़्यादा करता है, बेडशीट वगैरह फाड़ता है, काफ़ी चीज़ों को नुकसान करता है, जिसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, सभी व्यूवर से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जो कि एक लिमिटेड समय तक ही होता है। आपको स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने तक ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। इसका सोल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल होता है। आप उन्हें कोई ऐसी टॉयज दें जिससे वो बाइट कर सके। मार्केट में बोन वगैरह भी अवेलेबल है, काफ़ी सारे टॉयज भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी उसे दे सकते हैं, जिसके वजह से वो आपके बेडशीट या आपके कपड़ों को ना फाड़े। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।